टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री तुनिसा शर्मा ने महज 20 साल की उम्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है, जो आज सभी की फेवरेट है और सभी इनके सुसाइड की खबर सुनकर इन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप तुनिसा शर्मा के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी दौलत, शोहरत और सुसाइड करने तक की कहानी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको तुनिसा शर्मा की दौलत शोहरत के साथ साथ उनके सुसाइड करने तक की कहानी के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं, पर उससे पहले आप इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। अलीबाबा दास्ताने कबूल सीरियल में मरियम के किरदार से दर्शकों के दिलों में राज करने वाली अभिनेत्री तुनिसा शर्मा आज हमारे बीच नहीं रही, पर इसके बावजूद भी इंडस्ट्री में सिर्फ इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। इसी के साथ बता दें, इन्होंने इंडस्ट्री में इंटरनेट वाला लव और चक्रवर्ती अशोक सम्राट जैसे कई सीरियलों का हिस्सा रही थी। तो वही तुनिसा शर्मा ने सुपरहिट सॉन्ग देने के साथ साथ बॉलीवुड में फितूर और बार बार जैसी कई फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी और इन्होंने अपने इसी टैलेंट और काबिलियत के बलबूते पर अपने नाम 15 करोड़ की संपत्ति बना ली थी, जिसकी बदौलत इनका मुंबई में एक काफी आलीशान घर था, जिसमें कई कमरे, शानदार लिविंग रूम, बालकनी और किचन मौजूद है। इसके साथ ही इन्होंने अपने इस घर को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया, जिसकी वजह से इनका घर दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। वहीं बता दें कि इन्होंने तांबे की मूर्तियों और यूनिक चीजों से अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है, तभी तो इनके घर का हर एक कोना काफी डिफरेंट और खूबसूरत नजर आता है। इसी वजह से इनका घर किसी राजमहल से कम नजर नहीं आता। वही तुनिसा शर्मा आज इस दुनिया में नहीं है, पर जब ये इस दुनिया में थी, ये अपनी पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखती थी। जी हाँ, इनके पास एक से बढ़कर एक डिजाइनर और स्टाइलिश कपड़े कैरी करती थी, जिनकी कीमतें 35,000 से ऊपर ही बताई जाती थी। तो वही अपने इन कपड़ों के साथ ही ये शूज और हील्स सी अकॉर्डिंग कैरी करती थी, जिसकी वजह से इनकी हील्स और शू कलेक्शन में आपको डायर और डॉल्स एंड गंबाना जैसे नाम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका मेकअप, हैंडबैग और परफ्यूम कलेक्शन भी काफी शानदार था, जिस पर ये 30,000 तक की कीमत लगाने से पीछे नहीं हटती थी। वहीं बात करें इनकी शोहरत यानी पॉपुलैरिटी की, तो बता दें इनके इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अंत में बात करें अभिनेत्री तुनिसा शर्मा के सुसाइड करने तक की कहानी के बारे में, तो बता दें कि ये अलीबाबा दास्ताने कबूल सीरियल के खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी, और इन्होंने अपनी जान इसलिए क्योंकि इनके बॉयफ्रेंड सीजान खान से इनका ब्रेकअप हो गया था, और ब्रेकअप हो जाने के बाद ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, और डिप्रेशन में जाने के बाद ये इस कदर टूट गई थी कि इन्होंने खुद को खत्म करना ही सही समझा। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि तुनिसा सीजान से शादी करने के लिए बार बार कह रही थी, पर सीजान ने तुनिसा से शादी करने से इनकार कर दिया और उनसे रिश्ता तोड़ दिया, और इन्हीं सब वजह से